So friends, namaskar. In this class, we will study 11.2 question number 3. Construct a triangle PQR in which QR is equal to 6 cm, angle Q is equal to 60 degree, and PR minus PQ is equal to 2 cm. And this is our question number 2. I have not raised. And I will compare this one, question number 2, to the question number 3. तो आइए देखते हैं ये questions question number 3 से अलग कैसे. तो actually हमारी books में पेज नंबर 193 पर कंस्ट्रक्शन 11.5 है और उसमें दो केसेस हैं, केस नंबर 1 एंड केस नंबर 2. तो ये जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2, ये केस नंबर 1 का है और क्वेश्चन नंबर जो 3 है वो क्वेश्चन केस नंबर 2 का है. अभी कैसे है आपको अभी हम बताते हैं. जैसे इसमें देखिए आप क्या क्या गिवन था क्वेश्चन नंबर 2 में. बेस बी सी इज इक्वल टू, सो दिस वॉज बी सी, यस. आफ्टर दैट एंगल बी, सो बी वॉज, यू हैव मेड बी. आफ्टर दैट ए बी, एक्चुअली यू हैव टू फाइंड अ पॉइंट ए सच दैट ए बी इज ग्रेटर एंड ए सी इज लेस. तो ए पॉइंट ऐसा सर्च करना था, तो आपने क्या किया कि जो डिफरेंस था उसको पहले ही बना लिया और उसके ऊपर में एक आइसोसेलिस ट्रायंगल बना दिया. ये आप देखिए इसको ऐसे, जैसे कि मान लीजिए, अब आप देखिएगा एक्चुअली इसमें क्या है कि ये सपोज आपको इस ट्रायंगल में ये बेस गिवन है बी सी, ये बेस गिवन है, ये बेस है बी और ये सी, और आपको ये पॉइंट फाइनल कहाँ है पता नहीं है, लेकिन ये एंगल गिवन है. अब आपको क्या करना है, ये ए पॉइंट, तो आपके इसके ऊपर आपने देखो ऐसे ये तो आप देख रहे हो. इसमें हम लोगों ने क्या किया था कि जो डिफरेंस था ए पॉइंट, ये तो ए, ये डी पॉइंट था यहां पर, ये डी, सो ए डी और ये ए सी, ये तो दोनों इक्वल है, लेकिन हम लोगों ने डिफरेंस था ए बी वाला वो पहले ही बना दिया था, ए बी माइनस ए सी एस. तो एक्चुअली इसमें हम लोगों ने क्या किया, जो डिफरेंस पहले बना दिया, ये पॉइंट हमारा हो गया डी, ये डी, और डी से हम लोगों ने ये आइसोसेलिस ट्रायंगल ड्रॉ कर दिया, रेड वाला मेरा आइसोसेलिस ट्रायंगल ड्रॉ कर दिया. तो इसमें एडिशन था, ए बी जो है जहां बी एंगल है वही साइड बड़ी है, जबकि अभी क्या है केस नंबर 2 में क्या है, आप देखोगे कि जो एंगल गिवन है वही साइड छोटी है. उसके लिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 में, केस नंबर 2 के लिए क्वेश्चन नंबर 3 में. क्वेश्चन नंबर 3 में जैसा है तो हम लोग बिल्कुल ड्रॉ शुरू करते हैं. आपको हम पहले बेसिक उसके जैसा ही है, सबसे पहले ड्रॉ क्यू आर, तो जो जो गिवेन है उसको नोट करते हैं. क्यू आर इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर, क्यू आर इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर बेस, देन एंगल क्यू, एंगल क्यू, एंगल क्यू इज इक्वल टू 60 डिग्री, और उसके बाद आप ध्यान दीजिए ये लिखा हुआ है पी आर माइनस पी क्यू, पी आर माइनस पी एंड ये क्यू इज इक्वल टू 2 सेंटीमीटर. नाउ व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन दीज टू कंडीशंस, बेस बी सी, एंगल बी,
एंड AB वॉज ग्रेटर, BB एंड AB वॉज ग्रेटर, हेयर क्यू एंड क्यू, ओके, बट वी हैव टू फाइंड QR P, वी हैव टू फाइंड पॉइंट P, और पॉइंट P इज लेस, ये आप देखिए, ये माइनस, ये PQ वाला इज लेस PR माइनस ऑफ PQ, ये लेस है, लेस, जबकि यहां पर ये AB क्या है, दिस इज मोर, तो इसमें ये डिस्टेंस ज्यादा है, AB ज्यादा है, ये कम है, जबकि इसमें क्या होगा, इसमें आप ऐसा मानिए, ये तो सबसे पहले ये जो लेस है कैसे बनाते हैं, कुछ नहीं, जैसे इसमें कर रहे थे वैसे ही, पहले ड्रॉ करेंगे बेस, आफ्टर दैट एंगल क्यू, अब ये जो बी वाला ही है, जो एंगल है वही लेंथ बड़ी है, इसके लिए ये कंस्ट्रक्शन था क्वेश्चन नंबर 2 में, जबकि इसमें क्या है, जो एंगल वाला जो साइड है वो छोटा है, तो ये चीज़ कैसे नीचे पीछे की तरफ आएगी ये देखना है, ये आई हैव कंसल्टेड इन क्वेश्चन नंबर 2 ऑल्सो, ओके, तो कम ऑन, जस्ट लाइक वी हैव डन इन क्वेश्चन नंबर 2, फर्स्ट ड्रॉ बेस, सो बेस BC इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर, QR, this is Q and this is R, and angle Q is equal to 60 degree, angle Q is equal to 60 degree, so 60 degree we can measure from the compass, take any radius, make an arc and then make angle 60, this one. Or you can use your protractor also. So this is angle 60. This. So two things I have done, base and angle Q. Now this is less PR. So actually, जो हम लोग को इधर में पॉइंट मिलना है, QR तो हो गया, जो पॉइंट P मिलना है, तो वो P, इसमें देखो, इसमें पॉइंट A ऐसा मिला कि ये साइड बड़ी हो गई, ये साइड छोटी हो गई, जबकि इसमें क्या है, पॉइंट P ऐसा मिलना है कि ये साइड छोटी रहे और ये साइड बड़ी रहेगी, ये छोटी रहेगी, P यहाँ रहेगा, अगर ये छोटी है तो ये साइड बड़ी, तो इसमें हम लोग क्या करते हैं, इसका एक्चुअली केस ऐसा है कि उस ही, ये जो आपने यहाँ पर ऐड किया था ना, इस ट्रायंगल को ऐड किया था, ये चीज़ ऊपर रख कर डिफरेंस को ऐड किया था, यहाँ पर माइनस करना पड़ेगा, ये आप ऐसा समझो, ये देखो ऐसा है, आप देख रहे हो, ये मेरे पास में एक ये आइसोसेलिस ट्रायंगल है रेड कलर का, और हमको इसमें से कुछ कट करना है, और जो कट करेंगे ऐसे हमने कट किया, ये देखो जो हमने कट किया, तो आपको हमको छोटा सा, अब ये ऊपर में ट्रायंगल थोड़ा छोटा बच गया ना, ये साइड छोटी हो गई, ये साइड बड़ी हो गई, ये अगर हमको यही एंगल ही पता है, हमने कहा ना ये साइड हमको यहाँ ऐड करना था, जो हमने दूसरा एग्जांपल आपको बताया, मतलब इसमें ही अगर हमको ये ऐड करना हो यहाँ, अभी हमको इधर में क्या करना है, ये छोटा रखना है, ये बड़ा रखना है, जो क्यू वाला साइड है वो छोटा रखना है, पी पॉइंट ये, तो हम लोग क्या करेंगे, इसमें से माइनस करेंगे, तो एक्चुअली ये फोटो ऐसे बनेगा, ये देखना, ये ऐसे आपको दिख रहा है ये चीज़, तो ये हमारा जो वाइट वाला दिख रहा है ना, ये हमारा हो जाएगा बेस, और इसमें से आइसोसेलिस ट्रायंगल में से हम ये कुछ कट करने वाले हैं,
तो कट करने वाले का मतलब हो जाएगा कि हमको इसको बैक साइड में एक्सटेंड करना पड़ेगा, इसको हम बैक साइड में कट करना है, बिकॉज इसको हम बैक साइड में हम इसको एक्सटेंज करेंगे, एक्सटेंड करेंगे, एक्सटेंड इट ये, और जो भी आपको डिफरेंस है ये वाला उतने ही यहाँ पर सेंटीमीटर यहाँ कट कर लेना है. सो मेक एन आर्क ऑफ 2 सेंटीमीटर. सो विद द स्केल यू विल यूज योर स्केल, इट्स माय स्केल 2 सेंटीमीटर. ये 2 सेंटीमीटर हमने कट कर दिया. हमारा थोड़ा सा सेंटीमीटर वगैरह सब बड़ा होता है आपको समझ में आने के लिए. ओके, अभी भी ये पॉइंट क्यू है, ये एंगल हमारा 60 डिग्री है. ये हमको ये जो पॉइंट मिला एक्चुअली यही हमारे उससे कट करने वाला है. अब इसके बाद में ज्वाइंट इसको अभी पी क्यू आर था, पी पॉइंट तो हमको फाइंड करना है, पी क्यू आर, तो इसको हम लोग वी कैन टेक इट डी एज एम और एस, कोई भी नया नाम देते हैं, एम दे देते हैं. एम एक्चुअली मिडिल पॉइंट के लिए नाम आता है, तो थोड़ा सा पी क्यू आर एस, एस टी, एस दे सकते हैं, टी दे सकते हैं, एस करते हैं. और जैसे हम लोगों ने यहाँ पर पॉइंट डी फाइंड किया था ना इसको ऐड करने के लिए, जबकि हम लोगों ने इसी को एक्सटेंड कर दिया और माइनस करने के लिए, जैसे यहाँ डी ए बी सी डी अगर होता तो डी मानते, पी क्यू आर एस है, पी क्यू आर तो हमारा ट्राइंगल हो जाएगा, तो एस मान लिया. और फिर डी पॉइंट का हम लोगों ने परपेंडिकुलर बाइसेक्टर किया था ना, वैसे ही ये, तो इसका हम लोग परपेंडिकुलर बाइसेक्टर करेंगे. ये अब एक्चुअली इस बेस पर हम लोग एक आइसोसेलिस ट्रायंगल खड़ा करना चाहते हैं जिसमें इतनी साइड पहले कट चुकी है और ये बेस, तो ये साइड और ये साइड इक्वल होगी लेकिन इसमें इतना साइड कट चुका है तो ये सेंट छोटी हो जाएगी. जैसे हम लोगों ने यहाँ पर कहा डी और सी से हम लोगों ने एक आइसोसेलिस ट्रायंगल यहाँ पर खड़ा किया जिसमें कि ये दोनों साइड इक्वल थी और इसमें एडिशन हो गया था जिससे कि ये साइड बड़ी हो जाए. अभी हम लोग ये करना चाहते हैं इसको पीछे करके कि ये साइड छोटी हो जाए, ये वाला साइड जो है ये वाली साइड छोटी हो जाए, तो हमने पीछे कर दिया और इसको यहाँ से अब आइसोसेलिस ट्रायंगल पता करना है, मतलब परपेंडिकुलर बाइसेक्टर. तो भाई मोर देन हाफ डिस्टेंस लेकर, मोर देन हाफ मतलब और भी डिस्टेंस ले सकते हैं आप, मीन्स परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ एस एंड आर, ये मोर देन हाफ डिस्टेंस लेकर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर. दिस वन, सो ऑल द पॉइंट्स विच लाइज ऑन दिस लाइन परपेंडिकुलर बाइसेक्टर यू नो आर इक्विडिस्टेंट फ्रॉम एस एंड आर. तो सपोज दिस इज द पॉइंट विच इज कटिंग ऑल्सो, ये पॉइंट ऐसा है कि वो इस लाइन पर भी है और इस लाइन पर भी है, तो इसमें हमको बिकॉज एंगल मेंटेन करके रखना था 60 डिग्री, तो ये वाला पॉइंट हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो गया. अब आप देखो यही पॉइंट है आपका पी, पी क्यू और ये पी आर, तो पी आर अभी ये इसके बराबर है लेकिन उसमें से कितना कम हो गया, 2 सेंटीमीटर, ये जो 2 सेंटीमीटर था ये कम हो गया और हम लोग यही चाहते थे कि इसका इसका डिफरेंस 2 सेंटीमीटर हो और बस इसको मैच कर देंगे. ये सो दिस इज वॉट आई वॉज ट्राइंग टू टेल यू कि ये देखो ये वाला जो है ना ये एक आइसोसेलिस ट्राइंगल है, इसको आप ऐसे देखो ये एक आइसोसेलिस ट्राइंगल है और हमको इसमें से कुछ चीज़ कट करनी है,
ये कट करने से क्या हुआ, इतना हम इसे यहाँ कट कर, ये जो मेरा साइड है वो छोटा हो गया, ये बड़ा रह गया जैसे पहले से था, तो उसमें जो डिफरेंस आया वो ये यहाँ पर आ गया, तो ये चीज़ यहाँ ऐसे रखी जाएगी। तो दोनों डिफरेंस का ही क्वेश्चन है, लेकिन डिफरेंस में दो बातें हो जा रही हैं। ये ऐसे आप इसको ऐसे मानो कि ये बेस है हमारा, ये बेस है क्यू आर और ये है पॉइंट एस। अब उसमें से हमने इतना सम कट कर दिया, तो ये हमारा छोटा हो गया, बड़ा हो गया, ये छोटा, यही एंगल हमको पता था और ये साइड छोटी रखनी है, ये वाला एंगल हमको पता था, यहाँ पर ये है हमारा क्यू आर, ये हमने एंगल बना दिया, एंगल को हमने एक्सटेंड कर दिया पीछे, और फिर यहाँ से हमने दो पॉइंट बनाए जिसमें कि बिकॉज ये साइड और ये साइड का डिफरेंस ये कट जाएगा, ये छोटा हो गया, और जबकि इस फिगर में क्या था, इस फिगर में ऐसा था कि हम लोगों ने पहले जो 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 डिफरेंस है उसको हमको ऐड कर देना है, तो हम लोगों ने इसको ऐसे बनाया था ये, और जो डिफरेंस है वो पहले ऐड कर देते, तो डिफरेंस ऐड कर दिया हम लोगों ने ये, ये है हमारा बेस, ये जैसे है BC और इसमें हम लोगों ने आइसोसेलिस ट्रायंगल ऐड किया। अब इसमें ये साइड देखो बड़ी हो गई, ये छोटी है, तो ये दोनों में डिफरेंस में ये था। ओके, सो दिस वाज द कंस्ट्रक्शन, स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन, राइट, स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन। स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन, ये आपको आई थिंक आपको समझ में आया होगा, ये जो लेस है क्यू वाले मेरे ही ये साइड लेस कर दी है, पी क्यू आर तो हो चुका था होता है बेस, अब यहाँ पर ए पता करना होता है, लेकिन वो मोर है तो ऐसे जाएगा, मोर मतलब ऐड होना, मोर मतलब ऐड होना, सेम डायरेक्शन ऐड होना सेम, और ये बैकवर्ड डायरेक्शन, अगर ये लेस है ये हमारा तो ऐड मतलब सब्ट्रैक्ट और सब्ट्रैक्ट मतलब बैकवर्ड डायरेक्शन। सो दिस वाज द टेक्निक टू लर्न मोर, ये जो है हमारा बी वाला ही वो बड़ा है, ये बड़ा है, ये छोटा है। ओके, स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन, सो ड्रॉ फर्स्ट नंबर, ड्रॉ क्यू आर, बहुत छोटा सा, ड्रॉ क्यू आर इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर। सेकेंड, मेक एंगल क्यू इज इक्वल टू 60 सेंटीमीटर, 60 डिग्री। थर्ड पॉइंट, एक्सटेंड क्यू, जैसे यहां पर आपको ये दिखाया होगा ना, बी एक वो रे बनाई गई थी, यहां पर क्या क्यू एक्सटेंड इन अपोजिट डायरेक्शन क्यू एक्स। थर्ड नंबर, एक्सटेंड क्यू एक्स रे, ऐसे लिख दो बस। फोर्थ नंबर पॉइंट, ये हमने एक्सटेंड किया, कट एन आर्क, कट इसको दैट इज कॉल्ड कट, कट एन आर्क क्यू एस इज इक्वल टू 2 सेंटीमीटर, कट एन आर्क। सो दीज आर द पॉइंट्स, यू नो, ड्रॉ, मेक, एक्सटेंड, कट, अब यही सब ऐड करना है, और आर्क क्यू एस इज इक्वल टू 2 सेंटीमीटर, ये तो S मिल गया। फिर उसके बाद ड्रॉ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ S एंड R, इट विल गिव पॉइंट P। फिफ्थ नंबर, ड्रॉ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, अब शॉर्ट में ड्रॉ PB ऑफ Q एंड R, QR ये लाइन सेगमेंट, इट गिव्स पॉइंट P। जस्टिफिकेशन, इतना लिखने के बाद इट गिव्स पॉइंट पी, इसको नोट कर लें, इट गिव्स पॉइंट पी। सो सिक्स नंबर, वी हैव ट्राइंगल पी क्यू आर, रिजल्टेंट ट्राइंगल, वी गेट पॉइंट पी, वी गेट
ट्राइंगल पी क्यू आर। जस्टिफिकेशन कैसे करना है, तो थोड़ा सा जस्टिफिकेशन में पॉइंट लिख दें, ये आपको यहाँ चीज समझ में आएगी। अब बिकॉज पी एस और पी आर तो इक्वल है, और इसमें हम 2 सेंटीमीटर कम कर दें तो ये पी आर बड़ा हो जाएगा उतना ही। ये ऐसा कर दें आप, पी आर इज इक्वल टू पी क्यू प्लस पी एस। अब देखिए यहाँ से पी आर इज इक्वल टू 2 सेंटीमीटर प्लस पी क्यू, ये तो जस्टिफिकेशन में लिखना है। यहाँ पर लिखते हैं जस्टिफिकेशन जस्टिफिकेशन में पी एस, ये पी आर इज इक्वल टू पी एस। ऐसा क्यों हमने कहा, पी आर इज इक्वल टू पी एस परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ एस आर। यस, अब पी आर को हम लोग ऐसे कर देंगे पी क्यू प्लस 2 सेंटीमीटर पी आर। पी एस जो है हमारा वो है पी क्यू प्लस 2 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर मतलब क्यू एस, और ये है पी आर। तो बस पी आर माइनस पी क्यू इज इक्वल टू 2 सेंटीमीटर, दिस वॉज द कंडीशन, पी आर माइनस पी क्यू इज इक्वल टू ये 2 सेंटीमीटर। तो ये इसका जस्टिफिकेशन है, 2 लाइन का जस्टिफिकेशन। ओके, आई होप यू हैव एंजॉयड, सो कीप वॉचिंग एंड थैंक यू।